चलो आ जा इधर बाहर, आ जा आ जा बाहर, आ जा पैरों से आ बाहर। और कैसे आवागा? कोई बात नहीं, तो पानी घट गया। कुछ लोगों की गलती के कारण 20 तो 25 पिंडों के पानी वड़िया। दस दिए कि एक बन बनाया गया सी पिंड के लोगों के वलों, तो हुण उस बन नूं ही कुछ लोगों के वलों तोड़ दिता गया, जिसके कारण 20 तो 25 पिंड पानी की मार हेठा आ गए ने। हड़ वर्गी स्थिति बनी हुई है, तो लोग अपना घर छड्डन नूं मजबूर हो गए ने। फसलां डुब गई ने, पशुओं नूं खाण दे लाले पै गए ने। तो खबर यमुनानगर तो सामने आ रही है, जिथे कि सोम नदी के उत्ते बने एक बन नूं कुछ लोगों के वलों कहियां मार के तोड़ दिता गया, जिसके कारण पानी जो है कई पिंडां दे विच वड़िया। दस दिए कि लगातार भारी बरसात हो रही है, सोम नदी उफान के उत्ते सी, ते इसी विचकार कुछ शरारती तत्त दसे जा रहे हैं जिन्हां दे वलों ये शरारत की गई है। हालांकि मौके की एक वीडियो वायरल हुई है, जिस दे विच साफ इस बन नूं कटते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। हालांकि इन्हां दे नाल एक पुलिस मुलाजम भी खड़ा नज़र आ रहा है, जिन्हां दे वलों यह बन नूं तोड़िया गया। उत्थे लोगों के वलों हुण इस गल नूं लैके विरोध किया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन के कोल इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है कि आखिर इस सब तबाही का गुनहगार कौन है। तो दस दिए कि लगातार हुण प्रशासन के कोल इसकी अपील की जा रही है कि जल्द तो जल्द इन्हां लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो यमुनानगर के विचों की होंदी हुई ये सोम नदी निकलती है, जिथे कि कुछ लोगों ने बीते दिन कस्सियां दे नाल कहा जा रहा है कि बन नूं तोड़ दिता, 20 तो 25 पिंड पानी की मार हेठा आ गए ने। सारिया फसलां उजड़ गई ने, घरां दे विच 5-5, 6-6 फुट पानी फिर रहा है। यहाँ बहुत कोशिशों के बाद प्रशासन से कह के बांध बंधवाया गया था, पिछले कई सालों से इसी बात के पीछे घूम रहे हैं। अब जाके हमारा हल हुआ था, पिछले 10-12 सालों से हम पानी की चपेट में हैं, हमारे खेतों में फसल नहीं होती, घरों में हमारे पानी घूमता है, अनाज तक के लाले पड़ रहे। तो आज 5-4 युवकों ने मलकपुर गांव के कुछ शरारती तत्व आके मौके पे, उन्होंने पुलिस प्रशासन के अंधे, मौके पर पुलिस वाला खड़ा था, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके सामने आएगा नाका पाड़ा, नदी में पानी का बहाव ज़्यादा तेज था, वो थोड़ा सा नाका खुलने की वजह से एकदम सारा पानी नदी का जो बहाव सीधा था, आगे तो पानी रहा नहीं, वो पानी वो बांध टूट गई, एकदम पानी ने बहुत पटड़ी एकदम नीचा करा दी, सारा पानी हमारे गांव की तरफ घूम गया, वादी की तरफ, तो घरों में पानी घुस गया। हमारी तो प्रशासन से यही वो है भी, इसने रोक दो भाई, बंद कर दो, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। कितने गांव में पानी घुस गया? और पुलिस ने मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी, जिन शरारती तत्वों ने तोड़ा ना, 5-6 बंदे वे यहाँ थे, हंसते खेलते गए, और जबकि इस पर स्टे लग रही थी, स्टे उन दो भी उन युवकों ने कोई डर नहीं है इस बात का, स्टे लग रही थी इस पर, मतलब कानून उनकी नज़र में कुछ नहीं है, कानून भी उन्हें फेल कर दिया, पुलिस के उन दो स्टे लगे हुए माँ वे पटड़ी तोड़ गए, यहाँ थे हंसते जा रहे, और पुलिस ने अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ऐसा हमारा प्रशासन है भाई। उनको कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई कार्रवाई करेंगे, इसको पानी रुकने के बाद इसको मरम्मत कर दी जाएगी। कब तक हो सकती है मरम्मत, क्योंकि पानी का बहाव तो बहुत तेज है? पानी डाउन होने के बाद, जब तक पानी डाउन नहीं हुआ इसमें कर नहीं सकते, पानी डाउन होने के बाद इसको रिपेयर करेंगे। कितनी फसल जो है नुकसान हुआ है, कितना अंदाज? 600-700 कितने गाँव प्रभावित हुए इससे? 8-9 गाँव प्रभावित। मलकपुर के 5-6 शरारती आदमियों ने ये 20-25 गाँव के वादी के लिए बांध बनाया हुआ था, उसको आज सवेरे जबरदस्ती मौके पे काट दिया, जिसके कारण फसलों का भी और 20-25 गाँव के वादी में पानी घुस चुका है, रोड के ऊपर पानी है, 20 गाँव के अंदर पानी है, उसके कारण ये वादी यहाँ खड़ी हुई है जी, गाँव से निकलकर। हम ये चाहते हैं कि इन बंदों का अरेस्ट करा जाए, और प्रशासन से यही गुहार है कि इस बांध को दोबारा बंद दिया जाए आने, और इन बंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जल्द से जल्द। वीडियो वगैरह है? हमारे पास वीडियो बनाई है जी इनकी, 5-6 बंदों की, ये मौके पर इन्हें कसियों से इस बांध को काटा जी, और हमें जब हमने मना करा तो इन्हें बंदे ने हमारे जान से मारने की धमकी दी।